रिश्तों की डोर। माँ जी आप यहाँ? राहुल ने तो कहा कि आप। तुझ पे मैंने अपने बेटे से ज्यादा भरोसा किया, तेरी वजह से उसे भला बुरा कहती रही, कोसती रही अपने बेटे को, और तू? माँ जी माफ कर दीजिए मुझे, माँ जी प्लीज, मैंने जो कुछ भी किया उसके पीछे मेरी बुरी नीयत नहीं थी, बल्कि मेरी मजबूरी, मेरी लाचारी थी, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, बस दूर हो जा मेरी नजरों से। वाकई वाकई में ये मेरे बेटे की बदनसीबी थी जो तेरी जैसी मक्कार लड़की उसकी जिंदगी में आई, भले ही एक रात के लिए क्यों ना। आज तक मैं अपने बेटे को ही गुनहगार समझती रही, मुझे लगा तेरे साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन आज तेरी असलियत मेरे सामने आ गई। जो लड़की मेरी पीठ पीछे मुझे भला बुरा कह सकती है, वो कल को अपने फायदे के लिए इससे बड़ा कदम भी उठा सकती है। मैं बहुत खुशकिस्मत हूं मां कि आज आपने सब खुद देख भी लिया और सुन भी लिया, और इसकी असलियत आपके सामने आ गई। शर्मानी चाहिए तुम्हें, औरत को तो सच्चाई, तपस्या और त्याग की मूरत कहा जाता है, लेकिन तुम जैसी औरतों की वजह से पूरी औरत जात को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। पता नहीं और कितने घिनौने चेहरे हैं तुम्हारे। सच तो ये है तुम किसी से प्यार कर ही नहीं सकती। तुम अगर कर सकती हो तो बस प्यार के नाम पे धोखा और मक्कारी, और यही फितरत है तुम्हारी। तुम मेरे पास अपनी कोख में पल रहे बच्चे के लिए हक मांगने नहीं आई थी, बल्कि उसको एक ब्लैंक चेक की तरह कैश करवाने आई थी। तुम्हें पैसा ही चाहिए था ना? पैसा ही चाहिए तो तुम भीख मांग ली होती मुझसे, दे देती बहुत सारी दौलत तुम्हें। माँ जी प्लीज प्लीज मुझे इतना जलील मत कीजिए। माँ जी माँ जी मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, गलती तो इंसान से ही होती है ना, मैं भी एक इंसान हूँ, एक औरत, आज एक औरत को बेइज्जत कर रही। माँ जी अगर आज आपने मुझे इस घर से निकाल दिया तो दुनिया की सारी औरतें आपको गुनहगार समझेंगी, क्योंकि आज के बाद सारे मर्द खुलेआम अपनी औरतों से बेवफाई करते रहेंगे। प्लीज माँ जी मत कहो, मत कहो माँ जी मुझे, तुम्हारे लिए रिश्तों का कोई मायना नहीं, तुम तो बस रिश्तों को एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करती हो, जिन पे चढ़ के तुम अपनी सारी हसरतें पूरी करना चाहती हो। बस बस हो गया माँ जी, मुझे ये लेक्चर देने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप मेरी शादी अपने बेटे से नहीं करवा सकती तो ये लेक्चर देने की भी कोई जरूरत नहीं है मुझे, समझी आप? शट अप नायनिका। तुम मेरे और इनके बीच में ना ही बोलो तो बेहतर होगा। आप ही बताइए माँ जी क्या गलत किया है मैंने, बोलिए। आपके बेटे को हासिल करने के लिए अगर मैंने एक छोटा सा नाटक खेला है तो क्या गलत किया है, बोलिए। आप तो बड़ी हैं, आपने तो वो कहावत सुनी ही होगी, अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। मैंने तो बस उस कहावत को सच साबित किया, और क्या किया मैंने। नोनिका इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के मार के यहाँ से निकालूं चली जाओ यहाँ से, और एक बात आखिरी बार तुमसे कहता हूँ, मुझसे शादी करने का तुम्हारा सपना कभी पूरा नहीं होगा। Now just get lost. ठीक है ना? आज तो मैं जाती हूँ यहाँ से, लेकिन माँ जी आप भी मेरी एक बात सुन लीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं आपके बेटे का पीछा इतनी आसानी से छोड़ दूँगी तो आप गलत सोच रही हैं। तुम भी ये अच्छी तरह सुन लो राहुल, क्या तुम ये मान चुकी हो कि तेजू मुझे में? मैंने कहा ना तेजू मासूम है। ये एक भाई की राह है अपनी बहन के लिए, लेकिन कानून
कानून सबूतों गवाहों और फैक्ट्स के बिना पर अपनी राय कायम करता है सुहास। बस नया, अगर तुम्हें अपने इन्वेस्टिगेशन पर मुझसे और मेरी बहन से ज्यादा भरोसा है तो मैं तुमसे और कोई बात नहीं करना चाहता। प्लीज सुहास, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं कि मैं जानबूझकर तुम्हें या तेजू को तकलीफ पहुंचाऊं। लेकिन सच्चाई वो नहीं जो तुम साबित करने में तुली हो। तारा का खून मैंने किया, मैं मुजरिम हूं। देखो सुहास, तुम्हें पता है जो तुम करने जा रहे हो उससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जितना प्यार तुम अपनी बहनों से करते हो उतना ही प्यार वो भी तुमसे करती है। तुम्हें क्या लगता है तुम ये गुनाह अपने सर पर ले लोगे, फिर तुम्हें सजा हो जाएगी तो तेजू को बहुत खुशी मिलेगी? नहीं सुहास, मुझे नहीं लगता तुम्हारी बहन इतनी खुदगर्ज है। नहीं, तुम्हारी ये दलीलें फिजूल हैं। सुहास, एटलीस्ट लेट मी फिनिश। उस केस के सिलसिले में हमें और भी जानकारी मिली है। उस रात तारा पर जिसने भी गोली चलाई हो उसका कातिल जो कोई भी क्यों ना, क्या तुम्हें पता है उस रात गोलियां कितनी चली थी? हाँ, मैंने एक ही गोली की आवाज मैंने एक ही गोली चलाई थी। अच्छा, तो फिर वो दूसरी गोली किसने चलाई थी बताओ सुहास, दूसरी गोली किसने चलाई थी? Are you trying to trap me? तारा को एक ही गोली लगी थी। सुहास, मैं तुम्हें ट्रैप करने की कोशिश क्यों करूंगी, मैं तो तुम्हें सिर्फ सच्चाई से वाकिफ करवा रही हूँ। हाँ ये सच है कि तारा की मौत एक ही गोली से हुई थी, कातिल ने उस पर एक ही गोली चलाई थी, लेकिन मौकाए वारदात पर हमें एक और गोली मिली। इससे ये साबित होता है कि उस रात दो गोलियां चली थी। ये कैसे हो सकता है? आइए मैम, आपकी साड़ी रेडी है, आप चाहें तो इससे ट्रायल भी कर सकती हैं। और ये रहा आपका बिल। क्या हुआ मैम, आप नाराज क्यों हो रही हैं? क्या हुआ, इस बार तो मैंने कोई गलती तो नहीं की? इस बार तो मैंने आपसे इज्जत से भी बात की। चुप, इज्जत गई तुम्हारी भाड़ में, मुझे साड़ी नहीं चाहिए। क्या सुना है तुमने? मैंने कहा ना मुझे ये ड्रेस नहीं चाहिए। मगर सुबह तो सुबह क्या, सुबह तक मेरी शादी हो रही थी, अब मेरी शादी नहीं हो रही है तो मैं ये ड्रेस लेकर क्या करूंगी? कहीं आप मजाक तो नहीं कर रही हैं? देखो तुम इस वक्त मेरा मजाक मत उड़ाओ, ओके? बस तुम चुपचाप मेरे पैसे वापस करो, वो जो 20,000 रुपए मैंने दिए थे ना एडवांस में, वो चुपचाप चाहिए मुझे अभी इसी वक्त। लेकिन मैम ये पॉसिबल नहीं है, हमारी शॉप के रूल्स के हिसाब से हम पैसे वापस नहीं कर सकते। क्या, अरे तुम्हारी इसी मनु साड़ी को बुक करते मेरी शादी टूट गई। देखो चुपचाप मेरे पैसे वापस करो, समझी तुम, अभी इसी वक्त। मैडम प्लीज चिल्लाइए मत। क्या नहीं चिल्लाऊं, चिल्लाने पर तुम मुझे मजबूर कर रही हो, तुम देख रही हो कि मैं कितनी परेशान हूँ, हैरान हूँ। अरे मैं इमोशनली टूट गई, मेरी शादी टूट गई है, ऊपर से तुम मेरे 20,000 रुपए भी खा जाना चाहती हो। क्या हुआ मैडम, अब आप किस बात पे नाराज हैं? आपकी ड्रेस तो तैयार है, तुमने मैडम को ड्रेस दिखाई या नहीं? सर इन्हें साड़ी नहीं, अपने पैसे वापस चाहिए। बिल्कुल चाहिए, और मुझे इस बात पे कोई आर्गुमेंट नहीं चाहिए, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। लेकिन ये आप ड्रेस लेना क्यों नहीं चाहती? मेरी शादी टूट गई है, खुश? ओह, आई एम सॉरी। देखो इनके पैसे लौटा दो। लेकिन सर मैंने कहा ना इनके पैसे लौटा दो। ओके रिलैक्स मैडम, रिलैक्स। सुहास अगर तुम मुझे सच बता दो तो मैं हर मुमकिन मदद करूंगी तुम्हें बचाने के लिए। मुझे पहले से ही इस बात का अंदाजा हो जाना चाहिए था। अरे वो गुड़िया ही एक जरिया थी जो मुझे राहुल तक पहुंचा सकती थी, और आज मैंने उसे ही अपने हाथों से गवा दिया। अब क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं?
बार। तुम? हाँ मैं। रेस्टोरेंट है, पब्लिक प्लेसेस हैं। कोई भी आ जा सकता है ना? मैं भी, फिर तुम दोनों भी। सॉरी, माफी चाहती हूँ। शायद मैं गलत वक्त पर, गलत जगह पर आ गई, है ना? मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब किया ना? कैरी ऑन कैरी ऑन। क्या बात है? मुझे देखकर तुम इतना डर क्यों रहे हो? तुम दोनों के चेहरे का रंग क्यों उतर गया है? मैंने कहा ना सुहास, पब्लिक प्लेस है, कोई भी आ जा सकता है, राइट? चलो अच्छा ही है एक्चुअली कि आज मैं यहाँ आ गई। आज तक जो कुछ भी हो रहा था मेरे पीठ पीछे हो रहा था, और आज मैंने खुद अपनी आंखों के सामने से देख लिया है ना? नायनिका, तुम गलत समझ रही हो। ऐसी कोई really? ऐसी कोई बात नहीं है तो फिर कैसी बात है सुहास? प्लीज समझाओ ना मुझे। या फिर तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम यहाँ इसके साथ हाथ में हाथ डालकर जो कुछ भी कर रहे हो वो सही है, और मैं जो कह रही हूँ वो गलत? मिसेस अभयंकर, शट अप। तुमसे तुम्हें बाद में निपटूंगा। हाँ तो सुहास अभयंकर, एक्चुअली अब मेरी समझ में आया कि एक खूबसूरत जवान बीवी के होते हुए भी तुम्हें उसकी जरूरत क्यों नहीं महसूस होती है ना? और तुम्हें पूरी दुनिया में सिर्फ मेरा ही पति मिला था इश्क लड़ाने के लिए? मिसेस अभयंकर, प्लीज डोंट क्रिएट अ सीन। हम यहाँ तारा मर्डर केस। और चुप रहो, मुझे बेवकूफ समझती हो तुम? हाँ, खुले रेस्टोरेंट में मेरे पति के साथ हाथ में हाथ डालकर तुम केस डिस्कस कर रही हो? मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ, समझी तुम? नायनिका प्लीज, यहाँ तमाशा खड़ा मत करो, सब लोग देख रहे हैं, घर चलो प्लीज। तमाशा? अभी तमाशा हुआ कहाँ है सुहास? तमाशा तो अब होगा। सुना आप लोगों ने, ये मेरा पति इस 2% की औरत के लिए मेरे साथ बेवफाई कर रहा है। नायनिका, ये क्या बदतमीजी है? बिहेवियर सर। अच्छा, तो अब इस औरत के लिए तुम मुझे पागल कह रहे हो? इस गैर औरत के लिए तुम अपनी बीवी की बेइज्जती कर रहे हो? सुहास, आई जस्ट डोंट बिलीव यू। इधर तुम। हाँ, तुम मेरे घर पर बार बार क्यों आती थी? हाँ, क्यों आती थी तुम? सुहास के लिए ना? अब मुझे पता चला, तारा का केस तो सिर्फ एक बहाना था तुम्हारे लिए, तुम्हें तो सरेआम मेरे पति के साथ गुलछर्रे उड़ाना था, इसीलिए आती थी तुम, है कि नहीं? नहीं, मैं बात चलो, आप शर्माती है तुम्हें अपनी पत्नी कहते हुए। उल्टा चोर कोतवाल कोटा, हाँ, जरा सी भी शर्म नहीं है तुम्हारी आंखों में सुहास? अरे देखो देखो, तुम सब लोग देखो कैसे मुंह छुपाकर भाग रहे हैं ये लोग। अरे उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? बोलो सुहास, क्या है उसमें? और वो नेहा, मेरा पति सिर्फ मेरा है, समझी तुम? मैं उन औरतों में से नहीं हूँ जो अपने पति की बेवफाई पर आंसू बहाती रहे। तुम्हें तो मैं सुहास की जिंदगी से धक्के मार कर निकाल कर ही दम लूंगी, अब तुम देखना। हमेशा ये चीज तेरे साथ क्यों होती है? हर बार प्याला तेरे मुंह तक पहुंचते पहुंचते तेरे हाथों से निकल जाता है। वो राहुल जिसे मैंने हासिल कर लिया था, वो भी तेरे हाथों से निकल गया, और अब ये मेरा पति सुहास अभयंकर, हाँ, मेरा होकर भी मेरा नहीं रहा। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठकर कैफे में इश्क लड़ा रहा है वो। और क्या करूं मैं? नहीं नहीं, काम डाउन है अनिका, काम डाउन। तू इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती ना? लेकिन मुझे जल्द से जल्द कुछ सोचना होगा, क्योंकि अगर सुहास मेरे हाथों से निकल गया तो मैं तो ना घर की रहूंगी ना घाट की। क्या करूं मैं? सोच, कुछ तो सोच।
सोच नियोनिका, सोच, कुछ तो सोच। हाँ, एक काम हो सकता है, क्यों ना मैं फिर से वही प्रेगनेंसी का नाटक सुहास के साथ खेलूं जो मैंने राहुल के साथ खेला था। क्या पता जो हथियार उस राहुल पर नहीं चला वो सुहास पर चल रहा है। वाह नियोनिका वाह, तेरा दिमाग भी बड़ी दूर की सोचता है। देखा ना बेटा क्या क्या करना पड़ता है तुम्हारी मम्मा को तुम्हारे ब्राइट फ्यूचर के लिए। कितनी देर लगा दी तुमने आने में तेजू? मैं तुम्हें एक खुशखबरी देना चाहता था। खुशखबरी? हाँ, माँ तुम्हें बहुत जल्द अपने घर की बहू बनाना चाहती। राहुल, तुम्हारी सुहास दादा से क्या बात हुई? कुछ नहीं, मैंने उनसे कह दिया कि तेजू बहुत नक चढ़ी। क्या? मजाक कर रहा हूँ। तेजू, मैंने उनसे तुम्हारा हाथ मांग लिया। वो मेरे प्यार का सबूत मांग रहे थे और इससे बड़ा सबूत मैं और क्या दे सकता। लेकिन फिर भी क्या कहा उन्होंने? पता नहीं तेजू, वो अभी मुझ पर विश्वास नहीं करते। उन्होंने कहा कि तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की इन परेशानियों का जिम्मेदार मैं हूं। एनीवे, तुम फिक्र मत करो, मैंने तुमसे कहा ना कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मुझे यकीन है तेजू के ये मुसीबतों का दौर जल्द ही खत्म हो जाएगा। मुझे गलत मत समझना रहा, ये अच्छी बात है कि इतनी सारी मुश्किलों का सामना करने के बाद हमारा प्यार धीरे धीरे अपनी मंजिल तक पहुंच रहा है। लेकिन हमारी शादी अभी नहीं हो सकती, हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। मेरी भी थोड़ी मजबूरियां हैं। वो क्या है ना, जब तक सुहासदा तारा के कत्ल से बरी नहीं हो जाते, मैं अपने हाथों पर मेहंदी लगाने की बात दिल में भी नहीं ला सकती। मैं तुम्हारी भावनाओं की कदर करता हूँ तेजू, आई कैन अंडरस्टैंड। और तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम जब तक चाहोगी मैं तुम्हारा इंतजार करने को तैयार हूँ, इनफैक्ट अगले मिलेनियम तक। तेजू, मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूँ, सुहासदा के साथ हूँ। मैं भी यही चाहूंगा कि मैं जितना भी जो कर सकूं वो इस केस से जल्द बाहर आ जाए। तुम मेरे घर पर बार बार क्यों आती थी? हाँ, क्यों आती थी? तुम सुहास के लिए ना? अब मुझे पता चला तारा का कैसे सिर पे बहाना ना तुम्हारे लिए? तुम्हें तो सारे आने में मेरे पसंद को छड़ने और आना था, इसलिए आती थी तुम, है कि नहीं? तुम मेरे घर पर बार बार क्यों आती थी? हाँ, क्यों आती थी? तुम सुहास के लिए ना? अब मुझे पता चला तारा का कैसे सिर पे बहाना ना तुम्हारे लिए? तुम्हें तो सारे आने में मेरे पसंद को छड़ने और आना था, इसलिए आती थी तुम, है कि नहीं? नेहा, क्या बात है बेटा, तेरा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? कोई बात नहीं है चाची। बेटा, तुम उससे क्या छुपाने की कोशिश कर रही है? मैंने कहा ना चाची, कोई बात नहीं। बेटा, कुछ तो बात है, तू मुझे ठीक ठीक बता, क्या बात है? आप मुझे एक बात बताइए चाची, क्या प्यार करना गलत है? अगर मैंने किसी से प्यार किया और वो मुझे नहीं मिला तो इसमें मेरी क्या गलती? मैंने तो कोई पाप नहीं किया ना। ये तुझे क्या हो गया है नेहा, तू किस तरह की बहकी-बहकी बातें कर रही है? भगवान ने मेरे साथ ठीक नहीं किया चाची, जिंदगी में पहली बार और आखिरी बार किसी से प्यार किया, भगवान ने उसे मुझसे छीन लिया। नेहा, तू किसकी बात कर रही है? सुहास। चाची, मैं जानती हूँ वो शादीशुदा है, उसकी अपनी एक जिंदगी है,
और मैं उसका घर तोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकती। लेकिन क्या मेरा इतना भी हक नहीं है कि मैं दो पल उसके साथ बिता सकूं? मेरी जिंदगी इतनी सी खुशी नहीं दे सकती मुझे। मेरी किस्मत में सुहास से मिलना नहीं लिखा था, उसका प्यार नहीं था, लेकिन मैं क्या करूं चाची, मैं उसे बुला नहीं पाई। और अब किसी और के साथ जिंदगी बिताने के बारे में मैं नहीं सोच सकती। मैं अपने आप को कैसे समझाऊं चाची? मेरी जिंदगी में सुहास के अलावा और कोई नहीं आ सकता। मैं सुहास से बहुत प्यार करती हूँ। मत रो मेरी बच्ची।